भगवान श्री राम मंदिर अयोध्या से जुड़ी जानकारी। दोस्तों, हम भगवान श्री राम मंदिर अयोध्या के ऊपर नई सीरीज ला रहे हैं, जिसमें कई अलग अलग भाग होंगे, जिसका प्रथम भाग यह है। आइए शुरू करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से भगवान श्री राम मंदिर के लिए क्या क्या आया, क्या नहीं, यह हम बताएंगे। अयोध्या में 500 वर्षों की प्रतीक्षा का अंत आ रहा है। अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है। अयोध्या में भगवान श्री राम की भव्य प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच 5,00,000 गांवों को आमंत्रित किया जाएगा। वहीं भगवान रामलला के मंदिर में अचल मूर्ति के लिए नेपाल से शालिग्राम पत्थर आया है। जोधपुर से 600 किलोग्राम घी आया है, जिसमें श्री रामलला की आरती, हवन व यज्ञ इत्यादि होगा। देश से ही नहीं बल्कि अन्य देशों से भी इस मंदिर के लिए विशेष वस्तुएं मंगाई गई हैं। थाईलैंड से नदी का पानी व मिट्टी आई है। मंदिर का पत्थर राजस्थान के भरतपुर जिले से है। लकड़ी महाराष्ट्र से है, जिसकी नक्काशी कन्याकुमारी के कारीगरों द्वारा की जा रही है। ग्रेनाइट तेलंगाना और कर्नाटक का है। पत्थर पे मूर्ति बनाने का कार्य उड़ीसा के कारीगर कर रहे हैं। वहीं वाराणसी से 2100 किलोग्राम विशाल घंटा, जिसकी कीमत लगभग 10,00,000 रुपये आंकी जा रही है, वह लगाया जा रहा है। वहीं एक और घंटा जो तमिलनाडु के रामेश्वरम से लाया गया है, जिसका वजन 613 किलोग्राम है, वह भी रामलला को भेंट किया गया है। आगे की जानकारी अगले भाग में। धन्यवाद।